when we talk about mental health professionals their capacity to work can be seen in many areas one of that important area is academia the role of the educators extend well beyond just transmitting a body of the information the knowledge especially in case of being mental health professionals when talk about mental health professionals as teachers you can well imagine a psychologist apni sare experiences apni degree apni training स्टूडेंट्स के साथ इंटरएक्ट करता है तो वो एक डिफरेंट फेज के साथ करता है एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ करता है एक साइकोलॉजिस्ट एज अ टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ जब क्लिनिकल इंटर्नीस के साथ इंटरएक्ट करता है तो उसका जो पर्पस है वो कोचिंग होता है मेंटोरिंग होता है सुपरवाइजिंग होता है एक्सटेंडिंग द नॉलेज होता है और वो उस वक्त एक डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहा होता है वेदर दे रियलाइज और नॉट दे आर द वन हु आर बेसिकली द रोल मॉडल फॉर देयर स्टूडेंट्स उनका जो एक सब्जेक्ट नॉलेज है वो इतना क्लियर इतना वो इन्हेंसिंग uh, और इतना इनिचिंग होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे इंस्पायर हों वो अपनी इस फील्ड की ट्रेनिंग के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेड तरीक़े के साथ काम करें और वो उनकी जो सेंग्स हैं उनके जो थेरापूटिक uh, टेक्निक्स या गाइडलाइंस हैं उनको अपने टिप्स पे रखें और उनको अपनी एक्डेमिक uh, रॉटिंग uh, के अंदर और अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग के अंदर उनको रिफ़्लेक्ट कर सकें क्योंकि कल को उन्होंने भी एक अच्छा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू एक्सप्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनलमी दीज इंक्लूड्स अलाउ कंटेंट टीचिंग स्टाइल क्रिएटिव असाइनमेंट्स एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ समाइम कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज हम साइकोलॉजी की प्रैक्टिस की बात करते हैं इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू द बुक रीडिंग एंड द लेक्चर एंड असाइनमेंट्स इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती हैं साइको ड्रामाज हो सकते हैं रोल प्लेज हो सकते हैं क्योंकि आजकल की जो एकेडमिक टीचिंग है इसमें हमें बहुत सारा ऐसा मार्जिन मिलता है इन टर्म ऑफ गिविंग द मार्क्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द मार्क्स ऑफ द लेक्चर्स और उसके अलावा हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं उसके अलावा हम लोग जो फील्ड वर्क देते हैं फिर हम केस स्टडीज देते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा लर्निंग का और ग्रो करने का एक रूम

या वो उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके द इंस्ट्रक्टर फील डिस अपेयर केयरफुली क्राफ्टेड लेक्चर्स अपीयर टू बी फॉल ऑन इन डिफरेंट ईयर्स जब वो बच्चों को अपने वेल प्रिपेयर लेक्चर्स के साथ नरिश करना चाह रहे होते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लैक ऑफ अटेंशन या उनका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से उनका वो एक इतना अच्छा जो रिसोर्स के तौर पर एक लेक्चर प्रिपेयर किया होता है वो बिल्कुल ही फालतू में ज़ाया चला जाता है Ethical educators present accurate information and remain within the boundaries of their competencies based on such indicators as educational background, continuing education, and supervised experience. जब एक आ, आ, psychology का expert as a teacher, as a mentor अपना lecture दे रहा होता है तो उसमें अपने experiences की बात भी करता है वो अपनी training की बात भी करता है और अपने educational जो credentials होते हैं जिनकी basis के ऊपर उसने जो learning की होती है उनको भी समराइज करके वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है नाउ लुकिंग एट द अदर साइड वट डज द स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट द टीचर्स बट जनरली दे फील दैट दे आर बींग एडवांटेज ऑफ दैट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफर लॉट ऑफ कंप्लेन अबाउट एजुकेटर्स लाइक इंफीरियर कोर्स प्लानिंग वीक लेक्चरिंग स्किल्स फॉर एग्जाम्पल मोनोटॉनिक टू स्टेव एंड अप्रोचेबल स्टूडेंट्स की भी यही शिकायत हैं जो कि वो टीचर्स के बारे में करते हैं वाइस वर्सा के लेक्चर्स जो हैं वो बहुत वेल well प्रिपेयर्ड नहीं होते इंटरेस्टिंग नहीं होते बोरिंग होते हैं मोनोटोनिक uh, होते हैं एक ही टोन के अंदर टीचर उनको पढ़ाता जाता है और उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता और फिर वो उससे बोर हो जाते हैं दे डोंट वॉन्ट टू लिसन इट फर्दर तो साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ जनरली बींग टॉट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा रियल टाइम आइडियाज़ की बात करते हैं Because, in absence of all these things, this subject becomes uh, colorless. More commonly, students also complain about uninspiring and difficult to understand teachers. This is something very common, which has been seen that students of psychology complain that psychology ke teachers are difficult hai, and they are generally not conducive with the students. So, these, this is also research based that this is the complaint which comes from the students about the teachers. न अनक्लियर ग्रेडिंग क्राइटेरिया कि वो किस तरीके से ग्रेड करें हैं स्टूडेंट्स uh, को अक्सर उसकी समझ नहीं आती तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपरली जो है वो ग्रेडिंग एंड मार्किंग सिस्टम ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर वो अच्छे तरीके से उनको बताया जाए टीचर्स हुआ अन अवेबल फॉर एडवाइज़ और असिस्टेंस अगर उनको एज अ सुपरवाइजर एलोकेट किया गया है लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे वो रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स uh, के साथ मीटिंग्स नहीं कर रहे वो अवेलेबल स्लॉट्स uh, जो उनको होनी चाहिए वो उसमें अपने आप को मेक श्योर नहीं करे वो और असाइनमेंट्स में बिजी हैं तो ये भी एक स्टूडेंट्स की बहुत फ्रिक्वेंट कम्प्लेन होती है देन दोज़ हु आर एरोगेंट एंड डिमीनिंग कुछ टीचर्स uh, जो हैं वो स्टूडेंट्स uh, के साथ वो उनको कम्प्लेन होती है कि वो बहुत uh, उन्हें डिमीन करते हैं उनके साथ एरोगेंटली बिहेव करते हैं सो so, uh, ये इशूज़ जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा uh, देखने को नज़र आए हैं दैन दोज डिमांड टू मच और असाइन सीमिंगली इेलीवेंट वर्क This is also a complaint which is being given by the students of psychology. Most of the time, the teachers give them the work which is not relevant, which is not required. Or, probably, unka koi personal kaam ho sakta hai ya wo koi esa kaam ho sakta hai jo to unko isliye diya ja raha hai wo ek assignment ke unse activity jaye. But that is something which is not adding into their knowledge. So, basically, when we see that the uh, the mental health professional is being involved in an academia. so we see altogetherly a different perspective this merits and demerits hain, and we'll be talking about them further